सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु के पवित्र मधुर और सामर्थ्यशाली नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। हम इस वीडियो में देखने वाले परमेश्वर के कुछ वचनों को तो परमेश्वर हमें समझने के लिए सहायता ज़रूर करेगा। ठीक है, हम वचन पढ़ने वाले हैं यशया उसका 40:31। उकाब पक्षी के समान नया पर, और हम देखेंगे हम दुनिया में रह रहे तो हमें भी एक नए बल की ज़रूरत है। हर दिन हम अलग अलग समस्या से, अलग अलग प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो हमें भी एक नए बल की ज़रूरत है। जब हम देख रहे हैं 2 सालों से 3 सालों से आज संपूर्ण संसार अलग अलग बीमारी से, वायरस से, संकट से परेशान है, तो आज ज़रूरी हमें परमेश्वर के उस नए बल को प्राप्त करने का। इस वीडियो हम ज़रूर, अगर आपकी इच्छा है उकाब के समान आपको नया बल अगर प्राप्त करना है, किस तरह से हम प्राप्त करें, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद होते प्रभु जी आज सुंदर से समय के लिए। फिर एक बार आपके सम्मुख हम आते हैं प्रभु, हम जो कुछ वचनों को देखने वाले यशया 40:31, आप इस वचन को आशीषित करें। वचनों के द्वारा प्रभु हर एक से, हम सब से आप बात करें, जो कुछ समझेंगे हर एक बातों के द्वारा आपकी महिमा हो सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जब मैं अब यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं यशया 40:31, बाइबल दर्शाती है यशया 40 अध्याय और उसके 31 के वचन में, परंतु जो यहोवा की वाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के सनाई नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यशया 40:31। यह इस वचन में परमेश्वर उकाब के पक्षी के बारे में जिक्र करते हुए कुछ बातें बताते हैं। तो दोस्तों, पहले हम उकाब पक्षी के बारे में कुछ सीखेंगे कि उकाब पक्षी किस प्रकार का होता है। उकाब पक्षी की आयु 70 वर्ष की होती है तथा 40 वर्ष में डह डलने लगता है। 40 वर्ष में आने के बाद उस पक्षी के नाखून टूटने लगते हैं तथा उनमें कुछ कार्य करने की क्षमता नहीं बचती और उसकी जोच भी बढ़ने के कारण टेढ़ी हो जाती है और वह पंख जिनसे वो उड़ता है वो काफ़ी भारी हो जाती है और उसके सीने के साथ चिपक जाते हैं, जिससे उस पक्षी को उड़ने में तकलीफ होती है तथा इन मुश्किलों के चलते वो शिकार भी नहीं कर पाता क्योंकि वो उड़ नहीं पाता। मैं यहाँ पर देखा हम लोगों ने ना, हम पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि वो किस तरह से उसका अनुभव, उसके जीवन में किस तरह से संकट आते हैं, जिस तरह से वो बुढ़ापा एक प्रकार 40 वर्ष का होने के बाद उसके नाखून टेढ़ा होना, पंख जड़ होना, उड़ भी नहीं पाता, उससे बहुत सी मुश्किलों का सामना 40 वर्ष हम होने के पश्चात करना पड़ता है। उस समय उसकी दशा ऐसी होती है जैसे कोई मनुष्य निर्बल, बेसहारा, दुखी तथा तकलीफों से घिरा हुआ होता है। उसे उस समय या तो अपनी ज़िंदगी समाप्त करने की भावना आती है या फिर अपने जीवन को सही तरीके से आनंद के साथ जीने की चाहत होती है। उकाब पक्षी भी या तो 40 वर्ष के पश्चात अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर ले या 150 दिनों की मेहनत से फिर अपनी ज़िंदगी को नया कर सकता है। उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो 40 वर्ष के बाद छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना है, चाहे अगर 150 दिन अगर खुद को उसने बदलने की कोशिश की तो उसका आयु बढ़ेगा। किस प्रकार से वो अपने जीवन को नया कर पाता है तो जानिए, चलिए हम जानते हैं। उकाब पक्षी पहाड़ों पर जाता है तथा पत्थरों पर अपनी चोंच को मारता है, इतना चोंच को पत्थर पर मारता है कि टूट जाती है और जब कुछ समय बाद उसकी चोंच आती है तो नया उनसे अपने नाखून जड़ से उखाड़ देता है। जब हम देखते हैं यहाँ पर तो हम देखते हैं उसका जो है 150 दिन का जो एक दिन है वहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा कठिन समय होता है। उसे पहाड़ पे जाना है, उस चोंच को निकालने के लिए उसको पत्थर पे उस चोंच को मार मार कर उस चोंच को निकालने के लिए, क्योंकि हम जब देखते हैं टूटना मतलब एक प्रकार से खून निकलना, एक प्रकार से वहाँ पर परिवर्तन को लेकर आता है वो। अगर उसको 40 साल से उसको और आगे जाना है तो वहाँ पर उसको खुद को कुछ जगह मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों को उसके बदलाव में लेकर आने पड़ेगा। जो पंख जो बिना कान के हैं
जो अभी उसके उस काम का नहीं रहा, उस पंख को निकालना पड़ेगा, और जो पाँव में जो नाखून बड़े हैं वो निकालना पड़ेगा। तो उसके क्या करना पड़ेगा, 150 दिन उसको मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर जब नए नाखून आ जाते हैं तो वो अपनी चोंच नाखूनों की सहायता से अपने पंख उखाड़ देता है, और जो उसके सीने से चिपके होते हैं, फिर जब किसी तरह से 5 महीने मेहनत करनी पड़ती है, जब तब जब नए नाखून, नई चोंच और नए पंख आ जाते हैं, वो फिर से नई उड़ान भरता है तथा नए बल के साथ फिर से नए जन्म का सा अनुभव करता है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा तो बिल्कुल इसी तरह से आज हमें हमारे जीवन को नया बनना ज़रूरी है। उसके पास चॉइसेस है, आज भी हम देखते हैं। ओका मतलब ईगल, उसका घर कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो दिखता ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वो आसमान में ज़्यादा उड़ता हुआ दिखता है। उस पक्षी के द्वारा हम सीख सकते हैं कि 40 साल या फिर 40 साल के बाद मर जाओ या 150 दिन मेहनत करके उसकी आयु को बढ़ाओ, नए बल प्राप्त करना। आज अगर देखें परमेश्वर हमें नए बल को देता है, वो इतने कठिन समस्याओं के बाद वो नए बल को प्राप्त कर, नया जीवन को प्राप्त करता है। बुढ़ापे के बाद फिर से जवानी, एक प्रकार से जो बोलते हैं ना, नया जन्म वो पाता है, नया शक्ति वो नया बल को प्राप्त करता है। लेकिन उसके लिए कुछ करना जरूरी है। लेकिन आज बिल्कुल परमेश्वर इसी तरह से हमें सिखाता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हम परमेश्वर की ओर अगर नज़र लगाएंगे तो हम नए बल को प्राप्त करेंगे। उसको 150 दिन मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन आज हमें सिर्फ परमेश्वर के पास घुटनों पे जाने की ज़रूरत है। उसको चोच जो उसका है, उसको पत्थर पे मार मार कर उसे निकाल कर फेंकने की ज़रूरत है, लेकिन हमें सिर्फ घुटनों पे जाकर परमेश्वर के सामने रोने की, प्रभु मुझे नए बल को दे, आज मैं नए बल के साथ आपके साथ बने रहूं, इसलिए मुझे सहायता कर। आज हमें ज़रूरी है उस परमेश्वर की ओर से सुनने की। आज 2021 में हम यहाँ पर हैं तो आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अगर हम देखेंगे बीते हुए दिनों में कोविड के द्वारा अलग अलग समस्याओं में लोगों ने अपने जीवन को खो दिया है, अपने जॉब को खो गया है, अपने परिवार के लोगों को ये हो गए हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे परमेश्वर आज इस वचनों से हमें बोलता है, हमें नए बल को प्राप्त करना है तो हमें उसके साथ आना ज़रूरी है। हम परमेश्वर के बाट जोना है, परमेश्वर की ओर नज़र लगाना है, हमारा जाना उस परमेश्वर के पास होना है। जब भी हम निराश में होते हैं, दुख तकलीफ में होते हैं, बीमारियों में होते हैं ना, हम दुनिया में रह रहे तो हमारे जीवन में संकट दुख तकलीफ तो आती है, लेकिन उस समय से हमें कौन बाहर निकल सकता है, वो एक ही परमेश्वर है, वो एक ही जीवित परमेश्वर है जिसको हमको जानना है, उसके ऊपर हमें भरोसा रखना है, उसके ऊपर हमें चलना है। उकाब पक्षी 150 दिन उस पत्थर के पास जाकर अपने चोंच को मार मार कर एक प्रकार से टूटना, मतलब एक प्रकार से वहाँ से खून निकलता है अगर हम देखें उस पक्षी के जीवन से। तो परमेश्वर हमें इस कि 40 के 31 से बोलता है, मैं तुझे नया बनाऊंगा, नए शक्ति से तुझे भर दूंगा, नए बल से मैं तुझे भर दूंगा, जो तेरी इच्छा है, जो तेरे संकल्प है, जो तुम्हारे बातें हैं मैं पूरा करूँगा। परमेश्वर इजीली हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन आज हमें ज़रूरी है उस परमेश्वर के पास जाने के। आज हम यहाँ पर देखते हैं नए बल को प्राप्त करना। लेकिन आज अगर हम देखेंगे मसीही जीवन, जब हम लोगों ने मसीह को स्वीकारा, जब हम लोगों ने कबूली किया जीवित परमेश्वर परमेश्वर है, यीशु मसीह है परमेश्वर है, वही उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वही जीवन देने वाला परमेश्वर है, तारण देने वाला परमेश्वर है, हम कबूल करते हैं। लेकिन उस समय जैसे 150 दिन उसके हाथों में, उसी तरह से हमारे हाथों में कि हमारा पुराना स्वभाव को हमें त्यागना है, जैसे उसका चोंच नाखून पंख निकलने की ज़रूरत है, उसी तरह से हमें भी हमारे जीवन से शारीरिक स्वभाव, पुराना जीवन, पुराना व्यक्तिमत्व छोड़ना ज़रूरी है। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि खुद के हिसाब से परमेश्वर के वचनों को लेंगे और खुद के हिसाब से हमें
दिखाएंगे कि मैं तो नहीं बदल सकता, नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मेरे लिए ये मुश्किल है, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं मैं तो नहीं बात कर सकता, मैं तो नम्र नहीं हो सकता, मैं तो दीन नहीं हो सकता। हम परमेश्वर के सामने दीन नहीं हो सकते, हम जो हमें लोग दिखते हैं उनके सामने हम दीन नहीं हो सकते, जीवित परमेश्वर के सामने जो दिखता नहीं तो उसके साथ हम क्या जीवित रह सकते हैं, उसके साथ हम किस तरह से खड़े हो सकते हैं। लेकिन हम जब उकाब की तरफ देखते हैं, उस पक्षी की तरफ देखते हैं, उसे नया बनना है, नए बल को प्राप्त करना है, तो उसको मेहनत करने की ज़रूरत है, उस चोच को निकालने की ज़रूरत है, उस पंख को निकाल कर फेंकने की ज़रूरत है, नाखून को उखाड़ कर फेंकने की ज़रूरत है। तो आज भी हमारे पुराने स्वभाव को निकालना आज सबसे ज़रूरी बात हमें है आज की। अगर हमने यीशु मसीह को जाना है, अगर हमने बपतिस्मा कर लिया है, अगर हम इतने सालों से परमेश्वर का यीशु मसीह को जानकर चर्च में जा रहे हैं लेकिन हमारा पुराना स्वभाव नहीं बदल रहा, तो हम नए बल को बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर सकते। हमसे हमें पसंद है नए बल, परमेश्वर हमें नए बल देगा, नए शक्ति से भरेगा, लेकिन हमें बदलाव भी लाना ज़रूरी है। इस विश्वास योग्यता के साथ कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा बल है तथा हमारा सामर्थ्य है, जो हमें कभी जीवन में थकने या हारने नहीं देता, तथा एक आनंद की भरपूरी से हम सदा हर कठिन परिस्थिति में चल पाते हैं, चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाए, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वो तथा उसे ही अपने मुक्तिदाता स्वीकार करता है, वो हर प्रकार आंधी तूफानों से भी पार हो जा सकता है। तीमुथियुस का 1:7 में लिखा है, बाइबल ऐसा बताती है हमें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देना चाहता है, उसने सामर्थ्य को हमें दिया है, भय की आत्मा दी नहीं है। आज अगर हम यीशु मसीह को, परमेश्वर को हमने जाना है, अगर आज हमें नए बल को प्राप्त करना है, तो हमें कुछ बदलाव को लाना ज़रूरी है। हम उकाब के पक्षी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, तो किस तरह से तकलीफों से लड़ लड़ कर उसने नए बल को प्राप्त किया और उसने नए उड़ान उसने भरी है। उसने जीवन को समाप्त नहीं किया, वो हो सकता था वो जीवन को समाप्त कर सकता था, ठीक है अभी 40 साल तो जी लिया, आगे क्यों जाए। कोई कोई बोलता है ना, मेरे जीवन में तो मैंने सिर्फ इतना ही रखा था, बच्चों की शादी, उनके बेटे हो गए, अभी तो मेरा काम ख़त्म, मेरे बच्चों का शादी हो गया, उनके बच्चे हो गए, ख़त्म, अभी मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आज की दुनिया के लोग, संसार के लोग ऐसे बोलते हैं, ख़त्म, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, ख़त्म, मेरे परिवार के हर एक व्यक्ति का शादी हो गया, ऐसे लोग देखते हैं। मैंने जो रखा था वो बातें को मैंने पूरा किया, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, ख़त्म, मैंने घर बांध लिया, ख़त्म, मैं सक्सेस हो गया, ख़त्म। लेकिन हम जब यहाँ पर देखते हैं, उसने नए उड़ान वो भरती है, नए उड़ान के साथ, नए बल के साथ वो आसमान में उड़ना शुरू करता है। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम नए बल को प्राप्त करें। हमने यीशु मसीह को जाना, हमने उद्धार को पाया, हम आज चर्च में जा रहे हैं, लीडिंग कर रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव नहीं है तो हम शून्य है, एक उकाब पक्षी के समान हम बैठे हैं। बदलाव नहीं चाहिए हमें, परमेश्वर चाहता है कि हम नए बल को प्राप्त करें, नए बल के साथ हम आगे बढ़ें। एक जगह पर हम बैठे रहने से, उकाब एक जगह पर बैठने से वो 40 साल होने के बाद वो मर जाएगा, लेकिन 150 दिन अगर वो मेहनत करेगा तो उसका आयु और दिन बढ़ेंगे। तो परमेश्वर इस उकाब के पक्षी के जीवन के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमें याद दिलाता है, हमें कुछ चीज़ों को बदलाव में लेकर आना है। हमें पसंद है वो काप के पक्ष के समान नया बल चाहिए, नए शक्ति चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें ज़रूरी है उस परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन, हमारा रिश्ता, हमारी बातें, चलना, उठना, बैठना उस परमेश्वर की महिमा का कारण बने। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमें आज, हम लोग सिर्फ साधारण तरीके से पढ़ते हैं, सिर्फ सादा, ऐसा 40:31 उकाब के समान नए बल प्राप्त करेंगे बस। लेकिन उकाब किस तरह से नया बल प्राप्त करता है कोई नहीं जानता,
ज़्यादा से ज़्यादा 90% लोग नहीं जानते कि वो काम क्या करता है नए बल प्राप्त करने के लिए। हाँ, मैंने स्वीकार किया यीशु मसीह प्रभु है, आ गए, लेकिन पुराना स्वभाव लेकर आ जाएंगे तो उकाब के पक्षी के समान हम 40 पे ही अटक जाएंगे। अगर हम कोशिश करेंगे नए बल प्राप्त करना है, मुझे उपयोगी पात्र बनना है प्रभु, अगर आप चाहते हैं नए बल को, तो ज़रूर इस वचनों को अपने जीवन में स्वीकार करिए, अंगीकार करिए, और जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है नए बल को प्राप्त करना, तो आज हम नए बल को प्राप्त करेंगे। चॉइसेस आपके पास भी चॉइसेस है, एक तो करो, है ना, फिल्म में अगर देखे, टीवी में देखे, एक बोलते करो या मरो, है ना, कहीं कहीं आज हमें करना है, करना है, एक ही जगह बैठना है तो छोड़ दो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आज इस समय यही बताता है कि हमें पुकार के समान नए बल को प्राप्त करना है। परमेश्वर हमें देना चाहता है। जब हम 40 का 31 देखते हैं, हमें बहुत सारे लोग वचन याद है, बहुत सारे लोग मेमोराइज करते हैं, याद रखते हैं, पढ़ते हैं 40 का 31, परंतु यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के नहीं उड़ेंगे, दौड़ेंगे श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आज हम देखते हैं नए बल को प्राप्त करेंगे तो हम क्या होंगे, उड़ेंगे, दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे। परमेश्वर चाहता है हम बदलाव के साथ आगे बढ़ें। पहला बात अगर देखेंगे, पॉइंट से अगर लेंगे, सीक्वेंसेस अगर लेंगे, स्टेप लेंगे, तो पहला ये हमें बाट जोना है, तब हम नए बल को प्राप्त करेंगे, तब हम उकाबों के नाई उड़ेंगे, तब हम दौड़ेंगे, तब हम श्रमित नहीं होंगे, तब हम थकित नहीं होंगे। तब मतलब कुछ करने के बाद हमें करना है, स्टेप है वहाँ पर, सीढ़ी है, सीढ़ी, सीढ़ी पर हमें चलना है। सिर्फ हम पढ़ते हैं नए बल को प्राप्त करेंगे, न अच्छा लगता है सुनने में, बोलने में, लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं बाट जोना है, बदलाव में लेके जाना है। उकाब ऐसे ही नए शक्ति को नहीं प्राप्त करता, उकाब ऐसे ही नए बल को नहीं प्राप्त करता। अगर हम नए बल को प्राप्त करेंगे, नया जीवन को पाएंगे, तो क्या होगा, हम उकाब के नहीं उड़ेंगे, कभी नीचे बैठे हुए नहीं रहेंगे, उड़ेंगे आसमान में, आसमान को छूने वाला पक्षी बोलते हैं, दौड़ेंगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे, थकित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें नया बल देगा, परमेश्वर हमें नए शक्ति शांति से भरेगा। आज परमेश्वर हम सब से वही बात करता है, हमें अगर रुकाब के समान बनना है तो हमें उसकी बाट जोना है, परिवर्तन में लेकर आना है। जब हम परिवर्तन को लेकर आएंगे, तब हम नए बल को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें, आपके जीवन में वचनों के द्वारा काम करें। गॉड ब्लेस यू।